सपा नेता आजम खान हमेशा अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। वहीं एक बार फिर सपा नेता आजम खान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बड़ा हमला बोला है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनाते हैं आपको। भाजपा ने अपने 28 मौजूदा सांसदों के टिकट काटे, तो क्या कहना चाहेंगे? उन्होंने पिछले 5 साल कोई काम नहीं किया, उन्हें काम करने का मौका ही नहीं मिला। या तो वो ऐसे नारों पर जीत कर आए थे जिनकी कोई मान्यता समाज में नहीं है, या उनके कारनामे ऐसे थे कि भाजपा जैसी पार्टी भी उन्हें बर्दाश्त नहीं कर पाई। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी क्या संदेश देती है, क्या बोती है और क्या उगाती है और क्या काटती है।